दस्तक दे दी है। सर्दी के सितम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोहरे का भी कहर दिख रहा है और अभी सर्दी और बढ़ेगी। दिसंबर आते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है और सर्दी का सितम बढ़ रहा है। कोहरे ने भी दस्तक दे दी है तो विजिबिलिटी भी कम होनी शुरू हो गई है। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है तो सुबह और शाम को कोहरे का कोहराम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की एक चेतावनी ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक यूपी के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है जिससे ठंड और बढ़ेगी। यूपी में सर्दी की धमाकेदार एंट्री, कई जिलों में तगड़ी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दिखा असर। लखनऊ में कोहरे का दिखा कहर, विजिबिलिटी भी हुई जीरो। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, डॉक्टर्स ने भी लोगों को किया सावधान। बात अगर लखनऊ की करें तो यहां ठंड का असर साफ देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह राजधानी कोहरे और ओस की चादर से लिपटी हुई नजर आई। राजधानी लखनऊ में ठंड के साथ कोहरे की भी लगातार जो मार है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहे पर। अपनी गाड़ियों की लाइट खोल रखी है क्योंकि जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हालांकि जो ठंड है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है और गलन साफ तौर पर महसूस करी जा सकती है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही इस चीज़ को लेकर चेतावनी दी जा चुकी थी कि आने वाला समय में जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और उसकी वजह से कोहरा भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड का ये शुरुआती दौर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। असल में ठंड बढ़ने के पीछे की वजह पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी को माना जा रहा है। तो उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली मुंबई में भी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिनों में यूपी का मौसम भी तेजी से बदलेगा और लोगों को सर्दी के सितम को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।